mabitikitchen.com में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट अपलोड देखने। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ कबाब पराठा। बहुत ही बढ़िया हमने यहाँ पे कबाब पराठा बनाया है और देखिए कितना मुलायम और बढ़िया बना है। और इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कटोरी मैदा ली है और इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। और हमने यहाँ पे आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी कबाब पराठा बना सकते हैं। और दो छोटे चम्मच तेल लिया है और इसे भी डाल देते हैं। इन सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिला लेते हैं और ये चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं तो हमने यहाँ पे हल्का गरम दूध लिया है और इसी की सहायता से अब मैं इसका एक डो लगाऊंगी। और इसके पहले भी मैंने आपको कबाब पराठा की रेसिपी दी थी तो मैंने उस डो को दही से मारा था, पर दूध से भी बहुत सॉफ्ट और बहुत मुलायम बन के तैयार होते हैं। तो अब मैं इसे हाथों में तेल लगाकर चिकना कर लेंगे और इसका एक मुलायम डो लगाकर तैयार कर लेंगे। और डो हमने चिकना कर लिया है तो अब हम इसे ढककर रख देते हैं करीब एक घंटे के लिए। और एक घंटा बाद हम इसके पराठे बना लेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी सिर्फ चार लोइयां ही करेंगे। मैंने इस पराठे को सिर्फ मैदा से बनाया है। आप मैदा एक कटोरी और एक कटोरी गेहूं का आटा डालकर भी इसे बना सकते हैं। अब हम इसे बेल लेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे प्लेट में सूखा मैदा लिया है और मैदा को हम इसी तरह लगाते रहेंगे और इसे बहुत ही पतला बेलना है, एकदम पतला। और इसी तरह हम बेल बेल के इसे बड़ा कर लेंगे। कबाब पराठा रोटी से डबल होता है, यानी काफ़ी बड़ा होता है, तो हमें इसे काफ़ी बड़ा बेला है। और देखें हमने इसे बेल कर तैयार कर लिया है, बहुत ही बढ़िया बेला है। और इस तरह से हाथ पे डाल के देख लेंगे, ये उंगलियों से दिखाई दे रहा है कि कितना पतला है। अब हम इसे इस तरह से हाथों पर पलटेंगे। और मैंने एक गैस पर एक कढ़ाई गरम करने के लिए रखी है। कढ़ाई हमारी अच्छे से गरम हो जाएगी तो इस पराठे को हम डालेंगे। और जब तक हम दूसरा पराठा बेलकर तैयार कर लेते हैं। और देखें कढ़ाई अच्छे से गरम हो गई है, हीट आ रही है, तो इसमें अब हम पराठे को डाल देंगे। और जैसे ही हमने पराठा डाले, देखें इसमें बबल्स आने लगे हैं, तो हम इसे पलट देंगे। और हमने यहाँ पे एक पोटली बनाई है और रिफाइंड लिया है, आप इसकी जगह घी भी ले सकते हैं। और इसे पलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। और हमें इसे दोनों तरफ बहुत ही अच्छी तरह से सेकना है। देखें चारों तरफ अच्छे से सिक रहा है और देखें बनके ये तैयार हो गया है, बहुत ही मुलायम और बहुत ही सॉफ्ट, जबकि अभी बहुत ही गर्म है ये। और देखें कितना मुलायम है, कितना छोटा सा हो गया है, बहुत ही मुलायम सॉफ्ट है। तो इसी तरह हम बाकी के भी सेक कर तैयार कर लेते हैं। और अगर मेरी रेसिपी आपको ये पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और बाकी के पराठे भी अब हम इसी तरह सेक के तैयार कर लेते हैं। और कबाब पराठा बनके बिल्कुल तैयार है। देखें कितने बढ़िया हमारे कबाब पराठे बने हैं। आप इसे लोहे की कढ़ाई पर भी बना सकते हैं, जो भी कढ़ाई आपके पास है आप उस पर इसको बना सकते हैं। और देखें बढ़िया से हमारे सारे पराठे बनके तैयार हो गए हैं।
इस पराठे को आप कबाब के साथ या फिर दाल के साथ आप किसी के साथ भी इसे खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया हमारे कबाब पराठे बन के तैयार हुए हैं। तो चलो अब मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।